क्या रेंज पड़ती है, अलग अलग होगा रूम की? हाँ वही है आपका 800-900-700। अच्छा इतने मिल जाता खाना अलग? खाना तो कहीं भी खा लो। It's good, the people are good, everything is good. So how do your overall views about India? Overall, not only hills, overall India. How do you like it? I love it. I started in Chennai. Okay. Chennai. ये होता है, ये उमस है, right here. ये डाला हुआ है गणेश जी का रिंग हमारे कल्चर को भी जानते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले वीडियो में आपने देखा हमने धर्मकोट की पैदल यात्रा शुरू कर दी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें कोई कटवर्क मतलब बहुत थोड़े कट डालूंगा, ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा क्योंकि तब आप फील कर पाएंगे जैसे कि मैंने फील किया इस यात्रा पे, और तभी आप महसूस कर पाएंगे इस जर्नी को। और ऐसे अनेकों गांव हैं हिंदुस्तान में, भारत में, हिमाचल में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, ऐसे बहुत से गांव हैं। ये गांव तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है लेकिन ऐसे बहुत से गांव हैं। अगर हम देखें, अगर हम जाएं, दुनिया भर से फॉरनर्स, यूरोपियंस, इसराइलीज तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और महीनों स्टे करते हैं, तो कुछ तो बात है जो वो लोग वहाँ से इतनी दूर से यहाँ तक आते हैं। हम लोग इतने पास में भी नहीं जाते हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, तो जाना चाहिए और देखना चाहिए हमारा देश कितनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, कितनी प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। वीडियो को स्किप, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप वो एक्चुअल फील नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए। तो हमने जर्नी स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं धर्मकोट विलेज की तरफ। कैब टैक्सी ना करें तो अच्छा है, पैदल आओ, 1.5-2 किलोमीटर हम चल ही सकते हैं। पैदल आओगे तो आप एक एक चीज़ को फील कर सकते हो, हर मोमेंट को देख सकते हो। और जल्दबाजी मत रखो, धीरे धीरे आओ, पूरा टाइम लेके आओ अपना। अब मेरे पास शाम तक का टाइम है, आराम से रहेंगे और आ जाएंगे। जो करना है अपने मन मर्जी से करना है। ये देखो पूरी ये है शायद धर्मशाला, नीचे धर्मशाला, ये धर्मशाला नीचे, उधर जो था हमने दिखाया था, ये जो है ये धर्मशाला की आबादी है। वो जो पीछे दिखाया था वो मैक्लोडगंज था, जो पीछे भी हाँ शायद आगे ऊपर से और सीख से दिखेगा ये। चले चलते आगे। लाया मेरा यार, बोलो पहाड़ों में। बहुत खूबसूरत है भाई, ऐसे ही आना चाहिए। इधर जाओ, गाड़ी उधर, गाड़ी से निकल जाते हैं हम लोग, पता नहीं चलता कुछ है ना, ऐसे आना चाहिए। और ऐसे इधर जाओ पीछे का देखो, व्हाट अ सीन। बहुत खूबसूरत है, पहाड़ पे ऐसे ही चलना चाहिए, पैदल पैदल घूमते टहलते। हाँ गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं ना तो वो फील नहीं कर पाते, धीरे धीरे एंजॉय करते हुए। ये हवा जो लग रही है ठंडी ठंडी, अप्रैल के मौसम में भी ठंडी हवा है। जहाँ छाया में आते हैं तो ठंडक लगती है, धूप में आते हैं तो थोड़ी धूप सी लगती है। 11:30 चले थे हम, और हम तो घूमते घूमते टहलते हुए आ रहे हैं ऐसे ही। हाँ आगे शायद ये गौरदे पानी आ रहा है, वहाँ से नीचे जा रहा है, पूरी गौरदे खाई है। एक किलोमीटर है यहाँ से भी लिखा है, वो लिखा बोर्ड में।
1.8 था ना, यानी 800 मीटर आ गए हम करीब, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर भी रह गया। वो मुझे कैसे पता चला? ऐसे यहाँ गाड़ी लेके आए हो? मुझे बोर्ड दिखा, तुम जाओ फिर। मुझे इस बोर्ड से पता चला क्योंकि यहाँ लिखा हुआ धर्मकोट 1 किलोमीटर। अभी और चलते जाओ। चल अकेला, चल अकेला। यहाँ भी कुछ बन रहा है, कुछ बना रहे होंगे, निर्माण कार्य तो पूरे एरिया में चल रहा है। धर्मशाला आने का जो राजमार्ग है, जो भी जो रोड है, उस पर भी पूरी हर जगह काम चल रहा था। जब हम आए थे तो हमने देखा था। यहाँ भी कुछ बना रहे हैं साइड, उधर को जा रहे हो आगे। खेला मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ अभी तक। हाँ अभी तक बिल्कुल नहीं थका। कितना आ गए हम लोग? आ गए सवा किलोमीटर, पसीने में आएंगे। मेरे ख्याल से वो धर्मकोट विलेज है, पेड़ों के बीच में से झांक रहा है आगे। हमें घूम के यहाँ से शायद वहीं पहुँचेंगे हम, वही दिख रहा लगता है। It's Dholadhar range. It's beautiful. It's been visible from down also. Oh yeah. So you went at Dharmkot in the morning? You have been staying there? I'm staying there. You're staying there. Okay, so okay. It's uphill, but it's about 200 meters. Okay. And okay. Then you go to the right. Okay. You stay how long? I'm staying as long as it's beautiful here. It's beautiful. The air is beautiful. It reminds me of upstate New York and New England. Okay. You know, or Washington State with these pine trees. Yeah, yeah. Towering mountains that are white like that. It's gorgeous. You stayed long time here? You stayed here for very long time, right? In the past. Here? In the past. I've been in India for 2 months. I've been here for 4 days. Okay. And I like it. And you from? 4 days se yahan pe. America. Ah, yes. America, New York originally. Your good name? Your good name? Neil. So, New York to California to Nevada. Okay. The Sierra Mountains, so that's very impressive. Yeah. Whole of Himalaya, you go to Kumaon, you go to Garhwal, you came to Himachal Pradesh, you go anywhere, some of the peaks are always visible, if weather clear. It's a question of when the pass is open. Because I want to go to Manali to Ladakh. You can go to Rohtang Pass and Kashmir, of course. Kashmir, Pir Panjal, that is called Pir Panjal. Yeah. Pir Panjal range in Kashmir. Yeah, Kashmir. Yeah, so that's the thing I'm thinking. Head into the Punjab and then make it to Srinagar. Yeah. Sure, certainly. That's. Right here is very beautiful, so I'll stay here a little bit longer. Yeah. I have heard about this place, and I never went there. First time going there. First time. You'll come back. Yeah. Of course I will come back. You are also saying that. I like it. Yeah, the food is good, the people are good, everything is good. So how do your overall views about India? Overall, not only hills. Overall India, how do you like it? I love it. I started in Chennai. Okay. Chennai to Mahabalipuram, Mahabalipuram to Kanchipuram, Kanchipuram to Chandahar, Chandahar to Udi, Udi to Madurai, Trichy. Trichy to Madurai, Madurai down all the way to the south to Trivandrum, Kerala. To Covalam Beach, to Monroe Island, to the backwaters of Aleppo area, and then I flew to Rajasthan.
I've been to India before. 31 years. You have explored the most of South India and also Rajasthan. Mm-hmm. And Himalayas. And I've been to Ellora, Ajanta, Hampi. Mm-hmm. Very good. I've been more places than most Indians. Yeah, yeah. Certainly you have seen more places than me. I'm also a travel maniac. Mm-hmm. But you have seen South India more than me. Because I have been to Bangalore, to Madras, Chennai now, Ooty. I have not been to Kerala, Trivandrum, etc. Oh, and I've been Kolam to Beach, as Kolam well. Beach. But good to meet you when we return. Okay? Maybe. Okay, thank you. I never know what the day brings. Yeah. It's very good. What is in store for us in the future? We don't know. Yesterday, I was sitting reading the Bhagavad Gita, you know, and so I'm reading the Arjuna's book. Hmm. So the and so oh here's this one. At the temple. Right up here. Right here. Ring. मैंने कहा ना ये हमसे ज़्यादा इंडियन है। You never know what you find. हमारे कल्चर को भी ज़्यादा जानते हैं। We are YouTuber. Channel name. Traveler Paul. Okay. Okay, good to meet you. Okay, sir. Thank you very much. Have a great stay here. Thank you. We'll see you soon. Enjoy that. You will certainly find India more interesting if you travel around the Himachal. Oh, I... Go to Ladakh, Leh Ladakh. Ladakh is nice, I hear. Very different. Okay. Okay, thanks. Bye. Bye. Thanks. बस पहुंच गए हैं थोड़ी देर और यहाँ पे बोर्ड लगाया लिखा है धर्मकोट एंड ट्रेन जो ट्रैक है 100 मीटर नीचे और इधर योगा सेंटर है नीचे. चलो ऊपर ही चलते हैं. हमें स्टे तो करना नहीं है, सिर्फ घूम के वापस आ गए. इधर नीचे होटल है 4-5, बोर्ड लगा हुआ था पीछे. फॉरनर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पे और महीनों स्टे करते हैं और इजरायली लोग बहुत यहाँ पे रहते हैं और भी कई कंट्रीज़ के यूरोपियंस भी यहाँ पे स्टे करते हैं धर्मकोट में. जस्ट लाइक कसोल को जैसे उन्होंने अपना बना लिया है. कसोल जो है मणिकरण के पास, मणिकरण से पहले, जैसे इजराइल लोगों ने अपना ही उसको बसेरा बना लिया. वहाँ पे इजराइल लोग बहुत रहते हैं. इसी तरह से ये भी यूरोपियंस के लिए और इसराइलीज़ के लिए एक फेमस स्पॉट बन गया है और बहुत सारे होम स्टेज, रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स वगैरह वहाँ पे चलते हैं. हम भी चल के देखते हैं. ये सब सुना है मैंने, वीडियोस में देखा यूट्यूब पे और पढ़ा भी. डर लगता है गाड़ियाँ तेज चलती ना. बंदर बैठा है आगे, है ना? बंदर है. सुनो, इसको टच छोटी कर लो. क्यों? छीन लेते ना वो इससे छोड़. सोचते मार रहे हैं हमको, ये सोचते हैं. मंकीज बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारे, 6-7 कुत्ता ऐसे. ये तो आएंगे नहीं इधर को. अच्छा, कुत्ते कुछ नहीं कह रहे हैं तो. ये तो अजीब बात है, है? मैंने प्यास लगाई, वहीं से ले पिएंगे पानी. बैठे हैं थोड़ी देर. ना ये थकते जाएंगे क्या जो उसे थोड़ी देर बैठे होने हैं. मेरे ख्याल से वो धर्मकोट में ले रहे पेड़ों के बीच में से झांक रहा है आगे. हमें घूम के यहाँ से शायद वहीं पहुँचेंगे हम, वही दिख रहा लगता है.
नज़दीक पहुंच गए बस धर्मकोट के, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गए। चला जाओ। ब्यूटीफुल प्लेस, इस स्टेशन की भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगह में आ जाना चाहिए। ये डाउन में सारा जो है होम स्टेज होटल्स वगैरह बने हुए, हम लोग पहुंचे हैं धर्मकोट। किस तरफ चलोगे? कहाँ को चलना है? इधर धर्मकोट की, धर्मकोट भी तो मार्केट है, रेस्टोरेंट कैफे वगैरह। अच्छा अच्छा, गांव है आगे, उससे आगे गांव भी है। हाँ, ये सब गांव है, गांव में कैफे है। खाना बदोश। मॉर्गन्स प्लेस, खाना बदोश। ये भी भाई यहाँ पे कुछ बजा रहा है। परदेसी परदेसी की धुन बजा रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। कितना खूबसूरत ये पहाड़ और ये मार्केट दिख रही है यहाँ से। चलिए अंदर चलते हैं, देखो कोई शॉप वगैरह कुछ तो खिलवा दो। बड़ी तेज़ प्यास लग रही है, यहाँ से एक लिमका लेते हैं, थोड़ा प्यास वास बुझाते हैं और फिर चलते हैं आगे, मार्केट घूम के आते हैं। हो सकता है लंच यहीं आगे कर लेते हैं, ठीक ठाक लग रहा है यहाँ। इजरायली और तिब्बती फूड भी है यहाँ पे, वो भी टेस्ट कर सकते हैं। चले थोड़ा घूम के आते हैं ना। यहाँ पे लगता है कि यहाँ के लोगों ने अपने घरों में होम स्टेज वगैरह बना लिए, दुकानें खोल ली, शॉप्स। और यहाँ पे ये स्टोन्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और मसाज और योगा और मेडिटेशन, ये दो तीन चीज़ों का यहाँ पे कुछ ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ की सराउंडिंग की वजह से, यहाँ की नेचुरल जो जगह है उसकी वजह से यहाँ मेडिटेशन और योगा का काफ़ी प्रचलन दिखाई दे रहा है। ये पूरा विलेज है।
जय मां। नहीं से यहां से घूम के पूरा आते जहां जाओ वहां वहीं पॉइंट पे मिल जाते हैं। बाकी में मिलेगा, नीचे मिलेगा पेट्रोल के लिए। तो फिर तो यहीं से वापस आ जाएंगे। गाड़ी लेके आए? नहीं नहीं, हम वॉक करके आए। मेट्रोड से यहां से निकल सकते वॉक करके आप बाकी बाकी जो मेट्रोड के। अच्छा अच्छा, तो सही है। लेकिन अभी लंच नहीं करना था, अभी आगे वापस लंच आके मिल जाएगा। आगे मिलेगा ये नया बन रहा है, पूरे विलेज में यही बन गया ना होम स्टे वगैरह। क्या रेंज पड़ती है, अलग अलग होगा रूम की? हाँ वही आपका 800-900-700। अच्छा उतना मिल जाता है खाना अलग? हाँ खाना तो कहीं भी खा लो, खाना कहीं भी। अच्छा अच्छा ठीक है। वहीं से मकलौन से ही अपना इसी मार्केट में आ जाते घूमते घूमते। नहीं 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 नहीं, जो रोड से आए वही ठीक था। अभी कहाँ से हैं? तो फिर ज़्यादा नहीं घूमेंगे, वापस ही चल रहे हैं वहीं से। बस मेरे ख्याल मार्केट यही थी जस्ट, अपनी तो ऐसी थोड़ा हारी थी तो वापस हो लेते हैं फिर, है ना? कोई फायदा नहीं लग रहा, वहीं खा लेंगे। फायदा नुकसान क्या है, हम तो घूमने आए थे। देखो ये बैठने के लिए तो जगह अच्छी है ना। सात सौ आठ सौ छः सौ नौ सौ नहीं रुकना चाहिए ना। क्या कर रहे हैं, यही स्टे कर रहे मसाज कभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। तो कुल मिला के ये गांव आम तौर पे जैसे इंडियन गांव होते हैं या पहाड़ी गांव होते हैं वैसा नहीं लग रहा है, ये पूरी तरह से मॉडर्न हो चुका है। और यहाँ पे योगा, मेडिटेशन, मसाज पार्लर, पब्स वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आ सकते हैं। फॉरनर्स की वजह से शायद ये सब कल्चर यहाँ पर बढ़ गया है। चलो वहीं चलते हैं जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी थी, लंच में यहीं कर लेना यार, कहीं तुम्हें अच्छा लगता रास्ते में तो वहाँ देख लेना। हाँ ये मेन ये है कि यहाँ पे आके रुक जाओ, स्टे कर लेंगे, शांत प्रकृति की गोद में हलचल नहीं है। मेन मकसद समझिए ये है, है ना? विदेशी टूरिस्टों के आने से यहाँ योगा और मेडिटेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। रुकने के लिए अच्छी जगह है, हाँ पीसफुल है, मार्केट है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट्स है और फॉरनर्स ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। सस्ते में रुको और अपना यहीं घूम के खाने। हाँ हाँ आ जाओ, अब चलो। पहले ही लाना।
हमने इजरायली डिश में खाई है, क्या नाम बताओ? ह्यूमस। ह्यूमस हाँ। ये क्या ह्यूमस के साथ? ये पेटा ब्रेड होती है। पेटा ब्रेड होती है। हाँ, ये इस तरह की होती है, इसको ऐसे खोलो, खमीरी होती है। हाँ, ये होता है, ये हुमस है। ये आपका सफ़ेद चने होते हैं ना, उनको बॉईल करके पीसते हैं गार्लिक के साथ, और इसको इस तरह से इसके अंदर भर के। अच्छा, ये तो सॉस टाइप होगी। हाँ, ये इसको ऐसे भर के अच्छा, ये क्या है? जो टिबेटन वगैरह नहीं होते हैं, टिबेटन, हाँ, उन लोगों का है ये। हिंदी डिश है ना, तिब्बती लोगों के सूप टाइप है ना। इसमें चिकन होता है और नूडल्स वगैरह। चिकन का? हाँ, ये चिकन का। चिकन तुम भी खाओगे तो अच्छा लगेगा। खाओगे तो ना, चलो इसको भी टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। ये भी टेस्टी है, इसका सूप और देख लेते हैं। चलो ठीक है, थुप्पा और हुमस एंजॉय कर लिया। अब कुछ खाना बनाया है ना, कुछ दाल भात बहुत पेट हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा खाया थुप्पा, अच्छा है, चिकन थुप्पा है। पूरी चटनी वाली ये वाली मिक्स ही है, ये वाली चटनी, ये वाली थोड़ा सा बीच का स्वाद आ गया, थोड़ा नमक डाला, सूप भी अच्छा है ऐसे। और ये हुमस हो जाएगा, वो तो मैंने थोड़ा सा ये टुकड़ा खाया। ये इजरायली है डिश और ये जो है तिब्बतन। तो यहाँ पे आए तो थोड़ा इजरायली और तिब्बतन डिश को भी टेस्ट तो करना ही चाहिए, हमने कर लिया। अच्छा लगा, अच्छा भी लगा। अब अपना खाते हैं कुछ दाल रोटी, जो थोड़ा पेट भी भर जाए। अपना खाना भी आ गया नॉर्थ इंडियन, दाल और रोटी, दाल मखनी, रोटी खाते हैं। खाते हैं उसके बाद चलते हैं फिर वापस भाई मैक्लोडगंज। फिर क्या करेंगे दोपहर में? तो बस खा के निकलते हैं, फिर वहीं चलते हैं। अब आपको नीचे तो खाना खा के हम नीचे चलते हैं, वहीं मैक्लोडगंज, और आपको वहीं मिलेंगे। अब चलते हैं मैक्लोडगंज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अच्छे वीडियोस बनाऊं आपके लिए ला सकूं, खुद भी घूमूं और आपको भी घुमाऊं। तो चलते हैं, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।